हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शेरिल भल्ला और मैंने आज ये क्रिएट किया है सुंदर सा मेकअप लुक पार्टी शादी के लिए। तो इसे देख लेते हैं कि कैसे क्रिएट किया है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप अपने हेयर टाई कर लीजिए ताकि ये आपको मेकअप करने के टाइम पे डिस्टर्ब ना करे। तो अच्छे से मैंने अपने हेयर जो हैं टाई कर लिए हैं। नेक्स्ट आई एम यूजिंग अ फेस सीरम ताकि जो मेरी स्किन है वो हाइड्रेट रहे, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है तो मैं बहुत भर भर के सीरम लगा लेती हूँ। तो इसको अच्छे से मसाज करते हुए मैं अपनी स्किन में एब्जॉर्ब होने दूंगी और उसके बाद मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि पहले हमने सीरम लगाया है ऑलरेडी। बट मैं प्रेफर करती हूँ मॉइस्चराइज़र भी लगाऊँ, क्यों ताकि मेरा जो मेकअप है वो क्रैक ना हो। नेक्स्ट टाइम यूजिंग अ प्राइमर, तो ये वही NYBA वाला प्राइमर है, अच्छा है, काफ़ी अफोर्डेबल है, तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। और अच्छे से मैं इसको अपने टी जोन एरिया पे, ओपन पोर्स जहाँ पे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे लगा के अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैं अपना मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ अपने आईज़ से। तो सबसे पहले मैं आईज़ का बेस बना रही हूँ कंसीलर की हेल्प से। अगर आपके पास आईज़ बेस है तो आप डायरेक्ट वो भी अप्लाई कर सकते हो, बट मेरे पास नहीं है तो मैं कंसीलर भी बहुत अच्छा वर्क करता है, तो आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो आईज़ बेस के लिए। तो इसको मैं कंसीलर को अच्छे से लगा के फिर डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अच्छे से स्मैच कर लूँगी अपनी स्किन में, उसको अच्छे से मर्ज कर लूँगी, ये देखिए। और उसके बाद मैं फिर अपने इस आईज़ बेस को सेट करूँगी लूज पाउडर से या कॉम्पैक्ट पाउडर से, दोनों से आप सेट कर सकते हो, ताकि जो हम आई शेडो लगाएँ तो वो ईजीली ब्लेंडेबल हो रहे, ब्लेंड हो जाए। तो मैं अच्छे से इसको सेट कर रही हूँ लूज पाउडर से। देन मैंने लिया है आई शेडो, मैंने एक ट्रांजिशन कलर लिया है ऑरेंजिश कलर। मैं इसको धीरे धीरे बिल्डअप करूँगी अपनी ट्रांजिशन लाइन पे। तो ये आप देख सकते हैं मैं दोनों पे लगा रही हूँ और थोड़ा सा मैं और डार्क करूँगी इसे। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा और डार्क किया है इस ऑरेंजिश कलर को। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ डार्क ब्राउन कलर, इसको मैं अपने आउटर वी पे लगाऊंगी ताकि जो थोड़ा सा स्मोकी लुक भी आ जाए और थोड़ा सा और एनहेंस लगेगी आईज़ हमारी, सुंदर लगती है इससे। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, इजी है आई शेडो लगाने का तरीका। तो खाली आउटर वी पे ही बस इसको अच्छे से ब्लेंड ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो जो अलग से दिखेगा वो। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ एक गोल्डन आई शेडो अपने आईलेट के ऊपर। तो इसको मैं जस्ट अपने आईलेट के ऊपर प्लेस कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ और अपने फिंगर की हेल्प से ही कर रही हूँ डायरेक्टली। काफ़ी अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी उसके बाद मैं। सो ये आप देख सकते हैं आई शेडो लग गया है। अब जितना भी फॉल आउट हुआ है, थोड़ा बहुत फॉल आउट होता ही है, तो उसको एक ब्रश की हेल्प से आप हटा लीजिए आँखों के नीचे से। देन मैं अप्लाई कर रही हूँ आईलाइनर, ये स्केच आईलाइनर है, तो इसको अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैं सिंपल सा लाइनर ड्रॉ करूँगी, बेसिक वाला, ये देखिए। हल्का सा मोटा ही रखना पसंद करती हूँ मैं लाइनर को। और मैं अब हल्का सा विंग निकाल रही हूँ। सो ऐसे ही मैं अपने दोनों आईज में बना लूँगी, ड्रॉ कर लूँगी। देन मैं अपनी ब्रोज फिल कर रही हूँ। तो अच्छे से आप अपनी ब्रोज फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ADS की ब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अफोर्डेबल है, मतलब जस्ट इन 50 रुपीज़ ये मिल जाती है, तो और काफ़ी पिगमेंटेड भी है। तो ये मैंने अपनी ब्रोज जो हैं वो फिल कर ली हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने फॉल्सीज अप्लाई कर ली है ऑफ कैमरा। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ डायरेक्टली अपनी फाउंडेशन और इसको अगेन ब्यूटी ब्लेंडर, डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से मैं इसको डैप डैप करके अपने स्किन में मर्ज कर लूँगी। एक्चुअली ये फाउंडेशन फिटमी वाला बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, ये बहुत इजी है ब्लेंड करना। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ कंसीलर, ये भी फिटमी वाला कंसीलर है। तो सबसे पहले मैं अपने डार्क सर्कल्स कवर कर रही हूँ इससे। देन इसको आप अपने सारे हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे भी लगा लीजिए, जैसे कि अपने हेड पे, नोज़ पे और जहाँ पे भी आपके थोड़ा बहुत स्पॉट हो एक्ने का,
तो जहाँ पे ब्लैक आपको दिखता हो, आई नो मैं भूतनी लग रही हूँ, और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। तो ब्लेंड 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 ब्लेंड, बहुत ही मेहनत लगती है ब्लेंड करने में यार। डैबिंग मोशन में ही हमेशा आपको अपना ब्यूटी ब्लेंडर चलाना है। अगर आप ऐसे सीधे सीधे करके चलाएंगे तो आपका जो फाउंडेशन है वो ख़राब हो जाएगा, पैचेस दिखेंगे। तो हमेशा डैब डैब करके ही अपने फाउंडेशन को आप ब्लेंड कीजिए। तो ये देखिए ऑलमोस्ट जो है कितना फ़र्क दिख जाता है एकदम से कंसीलर अप्लाई करते ही। सो मैं अपनी दूसरी आईज भी फिनिश कर लेती हूँ फटाफट से। सो गाइस कंसीलर अप्लाई हो गया है। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ लूज़ पाउडर फॉर बेकिंग, क्योंकि अगर आप इसको लूज़ पाउडर नहीं अप्लाई करोगे कंसीलर के बाद तो जो आपके आईज़ हैं उसके नीचे क्रीज़ बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमेशा लूज़ पाउडर कॉम्पैक्ट पाउडर आपको लगाना चाहिए जहाँ पर भी आप कंसीलर अप्लाई करते हैं। तो मैं अपने जहाँ जहाँ मेरे को लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरी ड्राई स्किन है। सो नेक्स्ट टाइम अप्लाइंग मस्कारा, तो लोअर लैश पे अपर लैश पे दोनों जगह अप्लाई कर लीजिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे वाइट काजल पेंसिल अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो मेरी आईज़ हैं थोड़ी सी और बिगर दिखे। उसके बाद मैं एक ब्राउन आई शेडो शेड लेकर उसको अपने लोअर लैशेस पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इससे क्या होगा, मेरा ऊपर वाला आईज़ और नीचे वाला आईलैश जो है वो बैलेंस्ड हो जाएगा। उसके बाद कंटोरिंग कर रही हूँ, मैं खाली चीक्स पे ही कंटोर कर रही हूँ। तो एक कंटोरिंग कलर लेके अच्छे से आप उसको ब्लेंड कर लीजिए। इससे आपका फेस जो है थोड़ा सा थिन दिखता है। सो कंटोरिंग से लुक ही अलग आ जाता है। तो ये मैंने कंटोरिंग कर ली है। नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग ब्लश। माई गॉड दिस इज़ सो पिगमेंटेड। तो मैं थोड़ा सा ही, बिल्कुल ब्लश मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, तो बिल्कुल थोड़ा सा ही अप्लाई कर रही हूँ। और उसके बाद मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, तो यही मेबलिन वाला हाइलाइटर है इन दिस शेड गोल्ड। तो मैं इसको अच्छे से अपने चीक बोन्स पे, द ब्रिज ऑफ नोज पे अच्छे से अप्लाई करके, अपने अपर लिप्स पे, चिन पे, फोर हेड पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। मुझे हाइलाइटिंग करना बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा हाइलाइटिंग कर लेती हूँ मैं एक्चुअली। बाकी ये शादी पार्टी मेकअप लुक है तो आप कर भी सकते हो। ये देखिए मैंने अपने आईब्रोज के आईब्रो बोन पे भी हाइलाइट किया है ताकि जो मेरी आईब्रोज है और एनहेंस लगे, और इनर कॉर्नर्स पे भी आईज के। नेक्स्ट मैं एक ग्लिटर पैलेट यूज़ कर रही हूँ, उसमें से मैं एक गोल्डन कलर ले रही हूँ और उसको मैं अप्लाई करूँगी अपनी आई लिड पे। थोड़ा सा ना इससे और भी ज़्यादा ब्लिंकी ब्लिंकी सा, और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा मेरा मेकअप। तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा ना कमी लग रही थी तो मैंने इसलिए ग्लिटर अप्लाई कर लिया। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। सो या ये ग्लिटर अप्लाई कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी लिपस्टिक। ये एनवाइबेव की लिपस्टिक है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही क्रीमी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। विंटर्स के लिए बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करती है आपके लिप्स को। और ये थोड़ा सा मैं लिप लाइनर से इसको और भी ज़्यादा शेप दे दूँगी अपने लिप्स को। नेक्स्ट मेरा लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट है और मैं इयररिंग्स के साथ इसको कंप्लीट कर रही हूँ। दैट्स इट, और ये है मेरा फाइनल लुक। गाइज आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।